दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भाषण कौशल को जानने की कोशिश करते हैं। भाषण का अर्थ है बोलना, अर्थात भाषा कौशल के क्रम में जिस प्रकार श्रवण, भाषण, पठन और लेखन का क्रम आता है, उन्हें में से एक है भाषण कौशल। आइए जान लेते हैं भाषण कौशल। भाषा कौशल का दूसरा अंग भाषण कौशल है। बोलने की क्रिया को ही भाषण कौशल कहा जाता है। भाषण का अर्थ है बोलना। भाषण का अर्थ असंगत बोलना नहीं है। भाषण कौशल विकास के प्राकृतिक क्रम में श्रवण के बाद भाषण कौशल का क्रम आता है। भाषण प्रक्रिया का अर्थ है बोलना। मनुष्य को विविध प्रसंगों पर बोलना पड़ता है। श्रवण के बाद बालक बोलने की कोशिश करता है। धीरे धीरे बोलने का उसका कौशल विकसित होता है। कभी वह किसी से कुछ पूछता है तो कभी वह किसी से कुछ बताता है। कभी वह किसी को समझाता है तो कभी वह किसी की वाहवाही करता है। कभी वह किसी सभा सम्मेलनों में सभी को संबोधित करते हुए बोलता है तो कभी वह किसी के कान में या धीरे से कुछ फुसफुसाता है। व्यक्तित्व निर्माण में भाषण कौशल का महत्वपूर्ण स्थान है। कभी हम स्वयं बोलते हैं तो कभी दूसरा कोई बोलता है। भाषण के माध्यम से हम अपने विचारों को सहज अभिव्यक्त करते हैं। जिस प्रकार श्रवण से विचारों का आदान होता है, उसी प्रकार भाषण से विचारों का प्रदान होता है। व्यक्ति को अभिव्यक्ति के लिए निरंतर बोलना पड़ता है। बोलने से व्यक्तित्व प्रकट होता है। जीवन में निरंतर चलने वाली यह प्रक्रिया है। भाषण प्रक्रिया के आंतरिक अंगों में श्वास प्रक्रिया, आवाज, शुद्ध उच्चारण, विराम आदि को महत्वपूर्ण माना गया है। अब देखते हैं भाषण और संभाषण। भाषण और संभाषण में संक्षिप्त अंतर है। किसी सभा में किसी के द्वारा किया गया संबोधन भाषण कहलाता है। भाषण में एक ही वक्ता बोलता है। भाषण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्याख्याता या वक्ता को तैयारी करनी आवश्यक होती है। भाषा अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वह प्रयास करता है। भाषण में वह शुद्ध उच्चारण, स्वराघात, प्रवाहमयता, आरोह अवरोह, शारीरिक हलचल आदि के माध्यम से श्रोताओं को बांधकर रख सकता है। संभाषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है। संभाषण का अर्थ है दो या अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान। किसी चर्चा, वाद विवाद, साक्षात्कार, महफिल, मित्रों या पारिवारिक सदस्यों के बीच वार्तालाप आदि को संभाषण कहा जाता है। सभा में संबोधित भाषण औपचारिक होता है तो सभी मित्रों के साथ संभाषण अनौपचारिक होता है। अब देखते हैं भाषण प्रक्रिया के अंग। भाषण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भाषण प्रक्रिया के निम्न अंगों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण, स्वराघात, बल, लय, विराम, प्रवाहमयता, आरोह अवरोह, अनुभव या शारीरिक हलचल। भाषण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्न बातों पर अधिक ध्यान देना नितांत आवश्यक है। एक, स्पष्ट उच्चारण। श्रोताओं तक अपनी बात ठीक तरह से पहुंचाने के लिए वक्ता का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। वक्ता अगर ठीक तरह से शब्दों या वाक्यों का उच्चारण नहीं करता है तो श्रोताओं तक उचित अर्थ नहीं पहुंच पाता है। वक्ता का स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण ही उसके विचारों को श्रोताओं तक सही मात्रा में पहुंचा सकता है। उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर, व्यंजन आदि का उचित प्रयोग होना चाहिए। अस्पष्ट बोलने वाला या स्वरयंत्र में कोई गड़बड़ी वाला वक्ता हो तब श्रोताओं को अर्थ समझने में बड़ी दुविधा हो सकती है। जैसे वे अजमेर गए, इस तरह के वाक्य श्रोताओं तक ठीक तरह से न पहुंचने पर श्रोता
वे आज मर गए जैसा अर्थ ग्रहण करने की संभावना होती है। नंबर दो, स्वराघात। भाषण देते समय स्वराघात की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। जिन शब्दों, वाक्यों या स्वरों पर अधिक बल देना होता है वहां बल देकर बोलना चाहिए। उसी प्रकार स्वर में एक प्रकार की लय होनी चाहिए। विराम। दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच उचित विराम का उपयोग करना चाहिए। भाषण में अल्प विराम और विराम के अनुसार उचित समय देकर वाक्यों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। अब देखते हैं भाषण के कुछ उद्देश्य। पहला उद्देश्य है आत्माभिव्यक्ति। अपने विचारों को व्यक्त करना ही आत्माभिव्यक्ति है। इसमें अपनी भावना, अपना विचार, अपनी बात आदि को व्यक्त करने के लिए बोलना या भाषण की आवश्यकता होती है। दूसरा उद्देश्य प्रचार। अपने विचारों का प्रचार करने के लिए भी भाषण कौशल का उपयोग किया जाता है। अपनी बात या अपने विचार दूसरों को समझाने के लिए या अपने मत से अन्यों को अवगत कराने के लिए भाषण कौशल का सहारा लिया जाता है। राजनीति में इसकी उपयुक्तता देखी जा सकती है। तीसरा उद्देश्य है ज्ञान। औरों को कुछ बताने के लिए या ज्ञान लालसा के कारण कोई बात किसी से पूछी जाती है। अन्यों को अपने ज्ञान से अवगत कराने के लिए या अन्यों से ज्ञान प्राप्ति के लिए इस कौशल का उपयोग होता है। अगला उद्देश्य साहित्यिक। कथा कथन, काव्य पाठ, गीत गायन, एक पात्री प्रयोग आदि के लिए भी भाषण कौशल की आवश्यकता होती है। अगला उद्देश्य है सृजन शक्ति का विकास। भाषण से सृजन शक्ति विकसित होती है। भाषण करने से पूर्व या कोई भी विचार प्रकट करने से पूर्व वक्ता को सोचने या कुछ सृजन की आवश्यकता होती है। वह सोचकर वैचारिक सृजनशीलता का परिचय देता है। इससे सृजन शक्ति का विकास होता है। व्यापार। आज के वैश्विक माहौल में संभाषण कौशल का महत्व अनन्य साधारण है। कहा जाता है कि बोलने वाले की मिट्टी भी बेची जाती है और ना बोलने वाले का सोना भी नहीं बेचा जाता है। अर्थात योग्य भाषण कौशल आर्थिक उन्नति के लिए उपयुक्त भूमिका निभाता है। अब देखते हैं भाषण दोष एवं निराकरण। भाषण या बोलते समय कुछ दोषों को भी देखा जा सकता है। कुछ दोष अनुवंशिक होते हैं। कभी कभी अनुकरण के कारण भी कुछ दोष बने रहते हैं। परिवेश के कारण भी भाषा की शुद्धता या अशुद्धता निर्भर करती है। तुतलाना, हकलाना या मिमियाना आदि दोष जिह्वा दोष है। इस तरह की भाषा बोलने वालों का मजाक उड़ाया जाता है, जिसके कारण इनके भाषण का प्रभाव कम हो जाता है। इन जिह्वा दोषों को वैद्यकीय उपायों से दूर किया जा सकता है। कुछ लोगों के भाषणों की गति अधिक होती है तो कुछ लोग बहुत ही धीमी गति से बोलते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए आवाज को रिकॉर्ड कर उसे फिर से स्वयं सुनने पर स्वयं के ही द्वारा इसे दूर किया जा सकता है। उसी प्रकार अच्छे भाषणों के लिए अच्छे वक्ताओं के भाषण या भाषण प्रतियोगिताओं के विजेताओं के भाषण सुनने के बाद अपने भाषणों को भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अब देखते हैं भाषण कौशल विकास के कुछ उपक्रम। भाषण कौशल को विकसित करने के लिए विविध उपक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। स्कूलों, कॉलेजों में इस तरह के उपक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है। इन उपक्रमों में भाषण प्रतियोगिता, संभाषण लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, कथा कथन प्रतियोगिता, एक पात्री प्रयोग, चित्र वर्णन प्रतियोगिता आदि कई प्रतियोगिताओं या उपक्रमों का आयोजन कर भाषा के कौशल को अधिक मात्रा में विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार भाषा कौशल में बोलना या भाषण महत्वपूर्ण कौशल माना गया है। जिस प्रकार सुनना जितना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार बोलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रवण के साथ भाषण कौशल को भी भाषा कौशल के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। छात्रों,
अभी आपने भाषण कौशल के बारे में जान लिया। अगर आप श्रवण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल को भी जानना चाहते हैं तो इन वीडियो की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसी तरह के अपने विश्वविद्यालय या पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा तथा नेट सेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।